पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ये पाठ लिखा है अरविंद कुमार सिंह जी ने, तो उनके बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। अरविंद कुमार सिंह जी का जन्म 11 जुलाई सन 1962 को बलवारीपुर सुल्तानपुर जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। भाषा हिंदी, मतलब इन्होंने जो लेखन कार्य किया वो हिंदी भाषा के अंदर किया। इनकी विधाएं कौन कौन सी थी, कहानी और उपन्यास, यानी गद्य की कहानी और उपन्यास विधाओं में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। इनकी मुख्य कृतियां हैं कहानी संग्रह है इनका बिरादरी का कटघरा, उसका सच, और उपन्यास है आगमन। इसके अलावा इन्होंने संपादन कार्य भी किया, एडिटिंग का कार्य भी किया। उनमें इन्होंने दिशा जो कि एक साहित्यिक पत्रिका थी उसका संपादन कार्य किया, और आदमी का दुख नामक मान बहादुर सिंह जी का कविता था, कविता संग्रह था जिसका इन्होंने संकलन किया। इन्हें रमाकांत स्मृति पुरस्कार भी दिया गया था। तो चलो बच्चों चलते हैं पाठ की ओर, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। बच्चों ये जो पाठ है आपको पता है, चिट्ठियां यानी लेटर्स यानी कि पत्र, हम सभी जानते हैं कि पत्र का हमारे पुराने जमाने में कितना महत्व था। एक दूसरे से बातचीत के लिए लोग पत्र लिखते थे और पत्र का बहुत बेसब्री से इंतजार किया जाता था। आज का जो युग है, वर्तमान जो युग है बच्चों, यांत्रिकी का, मशीनीकरण का युग है। इसके अंदर आजकल व्हाट्सएप पे मैसेज आप देखते हैं, ईमेल देखते हैं, एसएमएस देखते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, जो दूरियां लोगों को पत्र के माध्यम से कम होती थी वो दूरियां आज फोन पर मैसेज करने से ही दूर हो जाती है। और वाहन इतने चल गए हैं, परिवहन की सुविधा इतनी पर्याप्त है आजकल हम सबको कि हम थोड़ी ही देर में किसी दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। तो लोगों की दूरियां जो कम हुई है आज, उन दूरियों को कम करने के लिए पहले के जमाने में लोग चिट्ठियों का प्रयोग करते थे। और जब चिट्ठियां नहीं थी यानी लिपि नहीं थी हमारे यहाँ पर, तो उससे पहले लोग संकेतों के माध्यम से बातचीत करते थे। जैसे अगर आप प्राचीन काल में देखो तो वहां पर कोई ढोल बजा करके या नगाड़े बजा करके या इसी प्रकार का कोई संदेश निकाल करके, किसी प्रकार की आवाजें निकाल करके अपनी जो भाषा थी उसके माध्यम से वो लोगों तक अपना संदेश पहुंचाते थे। तो ऐसा ही आग्रह हो रहा है चिट्ठियों के बारे में बता रहे हैं कि चिट्ठियां किस प्रकार से लोग बाग चिट्ठियों का प्रयोग करते थे, उनका क्या हमारे जीवन में महत्व है, वही इस ये चीज इसमें बताई गई है। चलिए पढ़ते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है, यानी पत्रों की जो दुनिया है वो विचित्र है और उसकी उपयोगिता आज भी हमारे जीवन में बनी हुई है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। जितना बेसब्री से इंतजार लोग पत्र का करते थे वो कार्य आज का जो संचार है वो नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है बच्चों। अगर आप प्राचीन थोड़े पहले समय की बात देखें, जब एसएमएस सुविधा नहीं थी या फोन वगैरह की सुविधा नहीं थी, तो हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग थे, या टेलीग्राम के माध्यम से एक दूसरे को संदेश पहुंचाया जाता था। 3-4 दिन में वो संदेश दूर तक जाकर पहुंचता था और फिर वहां से दोबारा डाकिया उनका उत्तर लेकर के आता था। तो वहां पर जो भावनाएं निकल के आती थी, वहां पर जो भावनाएं दिखती थी लोगों की, उन भावनाओं का यहाँ अभाव हो जाता है फोन के माध्यम से या संचार के माध्यम से। ठीक है, तो पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। जितना संतोष पत्र के माध्यम से होता था वो आज फोन या एसएमएस से नहीं हो सकता। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया के तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। मानव सभ्यता के विकास में कैसे, जहाँ पर लोग पहले संकेतों से बात करते थे यानी पहले मौखिक संकेत देते थे, उसके बाद उन्होंने एक लिपि बनाई। उन लिपि के माध्यम से जैसे चित्र बना करके अपने अपने भावों को प्रकट करना, अपने विचारों को प्रकट करना, उसके बाद में उन्होंने लिपि सीखी, लिखना सीखा और लिख करके उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त करना सीखा। तो ऐसे इसीलिए कहा है कि मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। अब अलग अलग नाम क्या क्या है देखो, पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख कहते हैं, तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है और अंग्रेजी में आप सभी जानते हो क्या कहा जाता है, इसे लेटर कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, यानी पत्रों के माध्यम से लोग अपनी यादों को, अपने पुराने जो उनके पीढ़ी है उनके विचारों को समेट कर सहेज कर रखते हैं। आजकल तो आपको पत्र शायद ही मिलेंगे बच्चों, लेकिन पुराने जमाने के जो लोग थे वो अपने जो बड़े बुजुर्ग थे उनके पत्रों को आज भी संभाल करके रखते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा होता है, यानी उस
पत्र के अंदर वो क्या लिख रहे हैं, उनके भावों की जो अभिव्यक्ति उस पत्र में हो रही है, तो सबके भावों की अभिव्यक्ति अलग अलग होती है और वो कितना लिख रहे हैं वो भी एक दायरा, एक लिमिटेशन होती है उनकी, कि कोई अपने विचारों को खुलकर लिख रहा है, कोई अपने विचारों को सीमित दायरे में लिख रहा है, वो सारी चीजें हैं। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि भारत वर्ष में ही, केवल भारत की बात हो रही है, भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां जो है और पोस्ट ऑफिस में जाती है और वहां से वितरित होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य अर्थात रनर या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का फैसला किया। तार को इंग्लिश में टेलीग्राम कहते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। अब कहने का तात्पर्य यह क्या है, जहां प्राचीन काल में अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए लोग बहुत संकेतों के माध्यम से बात करते थे, वहीं पर आज क्या रहा, पहले हरकारे नहीं रडार, पहले जो संदेश पहुंचाए जाते थे वो राजा के किसी दूत के माध्यम से, या कोई ऐसा दूत जो भाग करके जाता था और उनको संदेश देता था और दोबारा वहां से संदेश लेकर के आता था, तो उसी तरीके से भागता रहता था। फिर तेज घोड़ों ने लिया, फिर घोड़ों पर बैठ करके लोग बात संदेश पहुंचाने जाते थे, फिर उन्हीं घोड़ों पर बैठ करके उनको वापस आना पड़ता था। उसके बाद में पहिए आए, यानी पहिए घोड़े, जहां घोड़े स्थान ले रहे थे वहां पहिए वाले, यानी घोड़ा गाड़ी ने वो स्थान ले लिया, घोड़े गाड़ी पर बैठे लोग संदेश पहुंचाने लगे। उसके बाद में क्या आया, उसके बाद में रेलवे यानी रेल आई और फिर तार, रेलवे और तार से उन संदेशों को पहुंचाना और भी आसान हो गया और कम समय में पहुंचा सके। तो इसीलिए तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाया, यानी वहां जो अभिव्यक्ति थी भावों की या उनके जो संदेश थे वो रेलवे से भी ज्यादा तेज किसने पहुंचाए, तार ने, अर्थात टेलीग्राम ने पहुंचाए। और इसीलिए टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहे हैं, यानी दूरियों को कम करने का कार्य यहाँ कौन कर रहा है, टेलीफोन, वायरलेस और रेडार। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था की सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। बच्चों अगर आप अपनी पाठ्यपुस्तक देखें या ग्रामर वाला जो पोर्शन देखते हैं आप, एक तो आपके पाठ्यक्रम में किसी ना किसी का पत्र सम्मिलित किया जाता है, या फिर आपके ग्रामर वाला जो पोर्शन है, व्याकरण वाला जो भाग है, उस व्याकरण वाले भाग में भी आपको पत्र लेखन की एक जो विधा होती है वो सिखाई जाती है और आपकी जो क्वेश्चन पेपर होता है, प्रश्न पत्र होता है, उसमें भी उसको विशेष स्थान दिया जाता है। तो बच्चों इसीलिए आपके सिलेबस में उसे शामिल किया गया, ताकि आप पत्रों के बारे में जानें और उसको अपने जीवन में उतारें, ठीक है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए कि पत्रों को प्रसारित करें, प्रचारित करें। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला 1972 से प्रारंभ हुआ। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। वहां पर संचार का कोई ऐसा माध्यम नहीं है, कहीं पर टेलीफोन नहीं है, कहीं पर तार नहीं है, कहीं पर रडार नहीं है, कहीं पर वायरलेस नहीं है, कहीं पर फोन नहीं है, तो ऐसी अवस्था में वहां पर जो संवाद का माध्यम है वो क्या होता है, चिट्ठियां ही होती हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऑफिशियल जो वर्क होता है, कार्यालय जो कार्य होता है, वो पत्रों के माध्यम से ही किया जाता है। बच्चों आज भी जो कार्य ऑफिसों में होता है, सरकारी कार्यालयों में या प्राइवेट कार्यालयों में देखें, तो वहां पर आज भी कार्य जो होते हैं वो पत्रों के माध्यम से ही किए जाते हैं। आगे देखिए, जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसके तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। बच्चों अब आप अपने पाठ्यक्रम में ही देख लीजिए, आप तीसरी क्लास से ही पत्र लिखना प्रारंभ कर देते हैं, चाहे वो प्रार्थना पत्र हो, चाहे वो शुल्क मुक्ति के लिए पत्र हो, चाहे वो पिता को पत्र हो, या भाई की शादी के लिए पत्र हो, निमंत्रण पत्र हो, तो आप तीसरी क्लास से ही पत्र लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसलिए आपने भी पत्र लिखा है और आपके छोटे भाई जो हैं उनको भी आपने पत्र लिखा
लिखाया होगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि पत्रों का हमारे जीवन में महत्व है और उसका योगदान भी है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। बच्चों बहुत सही बात है, बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक हैं, हमारे जो जवान हैं, हमारी रक्षा के लिए दिन रात खड़े रहते हैं, उनके पास में उनसे बात करने का हमारे पास में और कोई माध्यम नहीं है। उनसे जो बात होती है उनके परिवार की, वो इन चिट्ठियों के माध्यम से ही बात होती है, क्योंकि वहां पर ना तो नेटवर्क होता है ना वहाँ पर फोन की सुविधा होती है। तो इस प्रकार वो अपनी चिट्ठियों के माध्यम से वो अपने परिवार को चिट्ठी भेजते हैं और उनके परिवार वालों को चिट्ठियां भेजते हैं। तो उनके बीच में जो संवाद होता है वो चिट्ठियों के माध्यम से ही होता है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, यानी पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान में जब लाया जाता था उसको पहुंचने में महीनों का समय लगता था। पर अब वे बात नहीं, परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। जैसे कुरियर के माध्यम से आप कोई भी वस्तु पहुंचा सकते हो, फैक्स के माध्यम से आप तुरंत उस चीज को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हो, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप अपनी चीजें दूसरे स्थान पर तुरंत पहुंचा सकते हो। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को संजो और सजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। यानी आज भी देश में ऐसे लोग उपस्थित हैं जिन्होंने अपने पुरखे यानी अपने बड़े बुजुर्गों के पत्रों को सहेज कर लैमिनेट करवा करके रख रखा है। और उनमें कौन कौन है बच्चों, देखो बड़े बड़े लेखक, जो बड़े बड़े राइटर्स हुए हैं, बड़े बड़े लेखक हुए हैं, उनके पत्र, पत्रकारों के, उद्यमी यानी उद्योगपति जो होते हैं उन्हें उद्यमी कहा जाता है, कवि के बारे में आप जानते हो, प्रशासक यानी जो पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियंस होते हैं राजनीति क्षेत्र में होते हैं उनके बारे में है, सन्यासी यानी जो वैराग्य होते हैं, वैराग्य धारण करने वाले जो होते हैं उनके, और किसान, इन सब के पत्र जो है अनुसंधान के विषय है। इनके पत्रों में इतनी भावाभिव्यक्ति होती है, मतलब इनके भावों का जो आदान प्रदान होता है इन चिट्ठियों में वो अनूठा है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। बच्चों आप जानते हो उस बारे में कि नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे, और अगर उस समय दूर संचार के लिए फोन की सुविधा होती तो क्या वो पत्र लिखते, नहीं लिखते। तो उनके जो पत्र है आज भी आपके भारतीय जनता को प्रेरित कर रहे हैं, ना सिर्फ भारतीय जनता को बल्कि देश विदेशों में भी उनके पत्र बहुत प्रसिद्ध है। पत्रों को तो आप फेच कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मेमोरी भर जाती है फोन की, उस मेमोरी को खाली करने के लिए आपको मैसेजेस को डिलीट करना पड़ता है, उनको हटाना पड़ता है। लेकिन चिट्ठियों को आपको हटाना नहीं पड़ता, आप उनको सहेज कर रख सकते हो, आप जब चाहो उनको पढ़ सकते हो, उनके लिए आपकी कोई लिमिटेशन नहीं कि आपको उसके लिए रुकना पड़ेगा। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों, जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। उस समय में, उस काल में किस तरह के वार्तालाप होते थे, किस विषय पर वार्तालाप होते थे, यानी किस चीज को लेकर के वो संवाद करते थे आपस में, ऐसे कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पे वो बातचीत करते थे, वो सब बातें कैसे पता पड़ती हैं, उस समय के पत्र पढ़ते हैं तब हमें पता पड़ती है। जैसे आप महात्मा गांधी को लीजिए, महात्मा गांधी जी ने राजनीतिक विषयों पर पत्र लिखे और कुछ उन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी उसके माध्यम से भी उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। तो उनके पत्रों को आज भी सहेज कर जो म्यूजियम होते हैं, संग्रहालय होते हैं, उनके अंदर रखा गया है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती के लिए हुआ था। यानी उस समय अंग्रेजों के टाइम पे जब अंग्रेज हमारे भारत पर शासन कर रहे थे उस समय की स्थितियों को देख करके, उनके पत्रों को देख करके पता लगाया जा सकता है कि हमारे भारतवासियों ने कितना संघर्ष किया था अपनी मातृभूमि के लिए, स्वतंत्रता में उन्होंने कितना योगदान दिया था, उनको कितनी कड़ी टक्कर दी थी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। तो ये किससे पता चलता है? अंग्रेजों द्वारा अपने परिजनों को लिखे गए पत्रों से। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही होता था। अर्थात महात्मा गांधी
लिखा जाता था और वो पत्र अपने आप महात्मा गांधी जी के पास पहुंच जाता था। बच्चों इंडिया बहुत बड़ा है, लेकिन इतने बड़े इंडिया में महात्मा गांधी के नाम से लिखा गया पत्र सीधा महात्मा गांधी जी के पास आता था। हालांकि उसे पहुंचने में समय लगता था, लेकिन वो उनके पास पहुंच जाता था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वो उसका जवाब भी लिख देते थे। बच्चों समय के बहुत पाबंद थे महात्मा गांधी जी, उन्हें जैसे ही कोई पत्र मिलता था तो उसका रिप्लाई उसका प्रत्युत्तर वो तुरंत देते थे, पता नहीं उन्हें बाद में समय मिले या ना मिले। तो जो कोई भी पत्र उन्हें मिलता था तुरंत उसका जवाब लिखने वो उसी समय बैठ जाते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते। उस समय टाइपिंग मशीन तो होती नहीं थी, टाइपिंग का उस समय कोई भी किसी भी तरीके का तत्व नहीं था वहां पर, तो वो खुद अपने हाथों से वो लेटर लिखते थे, पत्र लिख करके उसका रिप्लाई करते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वो बाएं हाथ से लिखने जुट जाते थे। यानी जैसे वो सीधे हाथ से लिखते समय उसका हाथ दुख गया तो वो उल्टे हाथ से लेखन कार्य प्रारंभ कर देते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। यानी ना केवल महात्मा गांधी बल्कि स्वतंत्रता के हर वो सेनानी का जो जिसने स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया, उन सभी के पत्र वहां पर यहाँ तहाँ गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यानी जब रिप्लाई मिलता था उनका, जब प्रत्युत्तर मिलता था, जैसे महात्मा गांधी जी के पास कोई पत्र आया और उसका प्रत्युत्तर उन्होंने भेजा तो वो उन पत्रों को सहेज कर रखे हुए आज भी फ्रेम करवा करके उन्होंने उनको रख रखा है। यह है पत्रों का जादू। यानी ये क्या है, पत्रों का जादू है। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखे है, कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कुछ लेखक ऐसे हैं जिन्होंने पत्रों के माध्यम से अपनी जो पीड़ा है, अपने जो भाव उनको व्यक्त किया है, तो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 के अंदर 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्य और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। यानी रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी के बीच में जो संवाद हुआ था उस संवाद को पत्रों के माध्यम से इन्होंने व्यक्त किया है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुड़विल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। डाक विभाग यानी कि पोस्ट ऑफिस जो होता है उसके माध्यम से लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और आजादी के बाद में जो सबसे ज्यादा तरक्की हुई, जो सबसे ज्यादा विकास हुआ वो इसी क्षेत्र में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसके माध्यम से लोग आपस में जुड़ते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में ज्यादा कार्य हुआ। घर घर तक इसकी पहुंच है, प्रत्येक घर में लेटर जाते थे। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़ पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की झाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। जहां पर फोन नहीं पहुंच सकता, जहां पर कंप्यूटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आप बात नहीं कर सकते, एसएमएस के माध्यम से बात नहीं करते, उन दुर्गम स्थानों पर, उन अगम स्थानों पर भी किसके माध्यम से, चिट्ठी पत्रों के माध्यम से बातचीत हो सकती है। एक तो नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठियां मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। बच्चों जहां पर लोग बाहर काम करते हैं वो अपने परिवार वालों के पास से पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर जाता है, जिसके माध्यम से पैसे भेजे जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो मनी ऑर्डर के माध्यम से वो अपने परिवारजनों को आर्थिक मदद पहुंचाते हैं। तो जो वो आर्थिक मदद लेकर के जब डाकिया के घर में जाता है तो वो कैसा प्रतीत होता है? देवदूत
के रूप में उन्होंने प्रतीत होता है, देवताओं का भेजा हुआ दूत लगता है उन्हें, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है। तो आपने देखा किस प्रकार चिट्ठियों का हमारे जीवन में महत्व है, किस प्रकार चिट्ठियां जो मानव सभ्यता है इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अब हम देखेंगे व्याकरण कोड। बच्चों व्याकरण बोध में आपकी जो प्रश्न है, भाषा की बात में जो प्रश्न है वो है आपका व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय के योग से बना है, एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखिए। बच्चों यहाँ पर जो व्यापार शब्द है देखो, यहाँ पर व्यापार शब्द है, इस व्यापार शब्द के अंदर एक प्रत्यय लगाया, तो प्रत्यय क्या होते हैं बच्चों, वो शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों शब्द नहीं होते, एक शब्दांश होते हैं जिनका की कोई अर्थ नहीं होता है या अर्थ रहित होते हैं। तो ऐसे शब्दांश जिनको शब्द के पीछे लगा करके नए शब्द बनते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, और इनसे बनने वाले शब्द व्यापारिक। प्रत्यय जोड़ने पर कुछ परिवर्तन भी होते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे कि आपको एक प्रत्यय से और शब्द बनाने, जैसे सामाजिक, अब बच्चों यहाँ जो सामाजिक शब्द बनाए, सामाजिक में समाज प्लस एक हुआ है, तो यहाँ पर परिवर्तन हुआ है शब्द के पहले पहला जो वर्ण होता है उसकी जो स्वर होते हैं उनमें दीर्घ स्वर हो जाते हैं या वो लघु स्वर हो जाते हैं। तो ये परिवर्तन कब होते हैं, जब प्रत्यय लगाने पर नियम लगाए जाते हैं, तो नियम के अकॉर्डिंग ही सारा काम होता है। तो सामाजिक, समाज, धन, एक तो सामाजिक हो गया, समाज में एक प्रत्यय जोड़ा तो सामाजिक हो गया, नीति में आप एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो नैतिक हो जाएगा, ना में जो एक ही मात्रा है वो दीर्घ हो जाएगी, यानी उसका उसको बड़ा कर देते हैं, बड़ा स्वर लग जाता है उसमें, तो वो ऐ हो जाता है। तो ई का ऐ में बदल जाना तो वहां पर ही परिवर्तन हो जाता है, ज्ञान नैतिक। इसके अलावा आप देखोगे तो मासिक है, मौखिक है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनमें एक प्रत्यय लगा करके आपको नए शब्द बनाने हैं। दूसरा देखते हैं, ठीक है बच्चों, अब दूसरा है हमारा दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। संधि, संधि क्या होती है बच्चों, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब उन मतलब उनको जोड़ने पर, उनका योग होने पर जो विकास उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। तो यहाँ पर आपका दीर्घ संधि के बारे में दिया हुआ है, दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि होती है जहाँ पर स्वरों का मेल होता है, मतलब जहाँ पर स्वर वर्णों में स्वरों का मेल होता है उन्हें स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के पांच भाव होते हैं बच्चों, जिसमें दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि आती है। तो हमारे यहाँ पे दीर्घ संधि दी हुई है। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, जहाँ पर तो स्वरों का मेल होता है और स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं, जैसे रविंद्र, रवि, धन, इंद्र। बच्चों यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर भी छोटी ई है, छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बनती है यहाँ पर, तो यहाँ पर संधि हुई बड़ी। तो इन दोनों को जोड़ने पर विकार उत्पन्न हुआ, ये हो गई बड़ी। इसे दीर्घ संधि कहते हैं, जहाँ पर छोटे स्वरों को जोड़ने पर बड़ा स्वर बन जाता है, जैसे आप छोटी मात्रा बड़ी मात्रा देखते हो, छोटी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, तो ये मात्राएं जब दीर्घ हो जाती है तो वो दीर्घ स्वर कहलाती है, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोज कर लिखने हैं आपको। मुख्य रूप से स्वर संधि चार प्रकार की मानी जाती है, मैंने आपको बताया दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, इसके अलावा अयादि संधि भी होती है। हरस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद हरस्व या दीर्घ अ ई उ आ आए, तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ यानी अ के बाद में अ आता है तो वो आ बन जाता है, छोटी ई के मेल से बड़ी ई बनती है और छोटे ऊ के मेल से बड़ा ऊ हो जाता है। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह धन आलय, तो ह में अ स्वर मिला हुआ है तो अ और अ मिलके यहाँ पर आ हो गया, ये हो गया संग्रहालय। महाधन आत्मा यानी महात्मा, इस प्रकार आपको बहुत सारे उदाहरण भी देखने को मिल जाएंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।